वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में चल रहे हाय रामा एक क्या होगा इस वाले गाने के बीटसिंक पर एकदम कड़क स्टेटस वीडियो बनने वाले। दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे इंस्टाग्राम पर और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई इस गाने पर स्टेटस वीडियो लाओ। दोस्तों फाइनली हमारा स्टेटस वीडियो आ चुका है, तो दोस्तों बहुत ही कड़क और शानदार वीडियो, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे, दोस्तों आपको भी इस तरह से एकदम परफेक्ट स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए, मैंने सभी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई है, कौन से इमेज पर कौन सा इफेक्ट लगाना है ये भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे और इस वीडियो को बनने के लिए सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकी पेक प्रीसेट लिंक लगेगी, जो भी मटेरियल्स लगने वाले वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गूगल में www.technoj.in सर्च करके इन मटेरियल्स को इजिली डाउनलोड और इम्पोर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अपने खुद के मोबाइल से HD इमेजेस क्रिएट करना है, HD इमेजेस बनाना है, तो मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बनाए रखा है, उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से HD इमेजेस बना सकते हैं। दोस्तों चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना परेशान हो गया हम। तो दोस्तों ये स्टेटस बनने के लिए आपको हमारे वेबसाइट से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरह का हमारा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है, इसमें हाय रामा एक क्या हुआ ये वाला गाना है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। और हम आप देख सकते हैं हमारा रेशो है वो 1:8:0:3:4:0 यानी कि फुल स्क्रीन रेशो है। अगर आपको 4:5 के रेशो में स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं 4:5 के रेशो में भी सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अब हमें इन जो बिटमार्क है उनमें इमेजेस को ऐड कर लेना है, तो आपको आना है स्टार्टिंग में, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर जिनके भी इमेजेस पर आपको स्टेटस बनना है उस इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम कीर्ति सेट्टी के इमेजेस यूज करने वाले। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने कमाल के HD क्वालिटी इमेजेस है। दोस्तों अगर आपको ये इमेजेस चाहिए तो मैं इनको ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा, सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है, सभी इमेजेस एक ही जिप फाइल में है, उस जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, सभी इमेजेस हमारे अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे, आपको इसमें कोई भी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इमेज को ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है राइट साइड और उसे फिल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है, इस वाले बटन पे टच करना है एक बार, आप अगले वाले बिट मार्कर पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला उसको कट कर देना है। दोस्तों एक कलर बाद आपको बैक आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड व्यू में जाना है, व्यू ऑल में जाकर अगली इमेज को ऐड कर दिए। दोस्तों इस तरह से हमारे जितने भी बिट मार्कर है उनमें सभी इमेजेस को आपको ऐड करना होगा। इमेज से ऐड करने के बाद उसको थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर दीजिए, इसके बाद इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करना है। दोस्तों एक करने के बाद मैं आगे वाले जितने भी हमारे इमेज बीट मार्क है उनमें सभी इमेज को ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है, आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद दोस्तों अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देना है, इसलिए आपको यहाँ से वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है, आपको समझ लेना है कि कौन से इमेज पर कौन सा इफेक्ट पेस्ट करना है। दोस्तों हमें इस स्टेटस में कोई भी ओवरले इफेक्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ आप चाहे तो PNG ऐड कर सकते हैं, नेम किया कोई तो आप ऐसा कर सकते हैं, इमोजी PNG या नेम PNG ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट से सेकी पिक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। कुछ दोस्तों देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का हमारा सेकी पिक प्रीसेट है, इसमें दो इमेजेस है और दोनों भी इमेजेस में अलग अलग इफेक्ट है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वाले इमेज पर टच करना है, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए। दोस्तों इन इफेक्ट्स को कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद आपको हमारे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आना है और मैं आपको बता देता हूँ कौन से इमेज पर ए वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना हो। दोस्तों सबसे पहले आपको एक नंबर वाले इमेज पे टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद जो इमेज है दोस्तों आप जैसे काफ़ी फास्ट बीट चेंज होते हैं उनमें कोई भी हमें इफेक्ट्स नहीं लगा देना है, जहाँ पर भी फास्ट बीट वेरी फास्ट ज़्यादा फास्ट बीट है दोस्तों आप देख सकते हैं कितने नज़दीक है वे वाले बीट, तो इन इमेजेस में हमें कोई भी इफेक्ट पेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपको जो इमेज बड़ी ड्यूरेशन वाली इमेजेस है तो आप देख सकते हैं ए वाली इमेज जो कि है 0.24 सेकंड के आगे वाली, तो उस इमेज पर टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट वाली इमेज है
सिर्फ इसी नेक्स्ट वाली इमेज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.17 सेकंड पर जो इमेज है सिर्फ यही छोटी इमेज है उसमें ही हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, बाकी जो छोटी इमेज है उनमें हमें इफेक्ट नहीं लगाना ए वाला तो कम से कम। और जो फास्ट बीट है यहाँ पर भी काफ़ी फास्ट बीट है, तो इनमें भी इनमें तो आपको कौन सा एक भी इफेक्ट नहीं लगाना है तो आप ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों आपको आगे वाले जितने भी ड्यूरेशन में बड़ी है इमेज उन सभी इमेज में ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों मैं आगे वाले जितने भी ड्यूरेशन में बड़े इमेज है उनमें से ए वाला इफेक्ट पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, तब तक क्लियर स्किप कर देता हूं। तो दोस्तों ज्यादा ड्यूरेशन वाली इमेज में हमने पहला इफेक्ट पेस्ट कर दिया है, अब आपको बचे हुए इमेज में दूसरा इफेक्ट लगाना है। तो दोस्तों यहां से भी आपको वीडियो को काफी ध्यान से देखना होगा, मैं आपको टाइमिंग के साथ बताऊंगा कि कौन से इमेज में हमें दूसरा वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको फिर से एक बार हमारे सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है, उसमें जो सेकंड नंबर वाली इमेज है उस पर टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दिए। दोस्तों इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद हमारे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको सीधा चला जाना है, तो मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग के साथ दोस्तों। उसके बाद आपको चला जाना है 3.26 सेकंड पर, 3.26 सेकंड पर आने के बाद जो इमेज है उस पर टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद जो अगली इमेज है उस पर भी हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फास्ट बीट चेंज होते हैं, तो हमें इसमें कौन सा भी इफेक्ट नहीं लगाना है। दोस्तों आपको आगे जाना है एग्जैक्ट 8.02 सेकंड पर, वहाँ पर आने के बाद जो इमेज है उस पर भी टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। उसको कर लेने के बाद इस जो हमारी ज़्यादा ड्यूरेशन वाली इमेज है उसमें तो हमने पहला वाला इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको सीधा चला जाना है 11.05 सेकंड पर, उस 11.05 सेकंड के आगे जितनी भी हमारी इमेजेस है चार इमेजेस है छोटे ड्यूरेशन वाले, तो चारों भी इमेज में हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों चारों इमेज में ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको आगे आना है एक बराबर 15.20 सेकंड, 15.20 सेकंड पर जो इमेज है उस पर टच करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसको करने के बाद आपको आगे जाना है 18.21 के आगे जो तीन इमेजेस है 18.29 और 19.05 उन तीनों भी इमेज में हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जाना है आगे जाने के बाद जो इमेज है 23.05 सेकंड के आगे वाली उस पर टच करके ए वाला इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। दोस्तों अब हमारा इफेक्ट तीन इमेज में लगाना है सिर्फ, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 26.09 सेकंड, 26.17 और 26.23 सेकंड जो तीन इमेज है उनमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों अब हमारे इमेज में सॉरी हम अब हमारे स्टेटस में सभी इमेज पेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपने प्रीवियस वीडियो में तो देखा होगा। दोस्तों अगर आपको ए वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो मैं मेरे सेकंड चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप स्टेटस को देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम जो भी लोगों को ऐड करना है उस लोगों को ऐड कर दिए, प्लस आइकन पे क्लिक करके मैं वीडियो में जाना है और आप पिक्सल लैब या पिक्स आर्ट से लोगों क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी लोगों आपको ऐड करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए मेरे थंबनेल के ऊपर तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं मेरे थंबनेल के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल लाऊंगा कि मेरे थंबनेल कैसे क्रिएट करता हूं। दोस्तों इस तरह से आपको लोगों को ऐड करना है, मोहन ट्रांसफर में जाकर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद एक नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जहाँ पर भी लोगों को ऐड करना है लगाना है उस वहाँ पर सेट कर दिए, उसके बाद लोगों को आपको एंड तक एक्सटेंड कर देना है। दोस्तों अब हमें स्टेटस को हमारे डिवाइस में सेव करना होगा क्योंकि हमारा पूरा स्टेटस यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको शेयर वाला आइकन दिखा देगा सेटिंग के बगल में, उस पर टच करना है, वीडियो में जाना है, वीडियो क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन है उसको 1080 पिक्सल में एक्सपोर्ट करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो शायद नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों एक और बात बता दूं, 720 पिक्सल में भी आपको अगर और भी अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्रेम रेट है उसमें आपको 60 FPS फ्रेम रेट सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को फिर से एक बार आप एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, इससे अच्छी क्वालिटी हमारी हो जाएगी वीडियो की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।